उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं अचार का गोश्त। चलाएँ स्टार्ट करते हैं। अचार के गोश्त के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये शान का पैकेट लिया है। हम इससे रेसिपी तैयार करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। अचार गोश्त बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, ये मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। दही ले ही है मैंने 1.5 कप। ये मैंने लेमन जूस लिया है, लेमन जूस मैंने 1 लेमन लिया है, इसको मैंने जूस निकाल लिया है उसका। ये मैंने अचार का मसाला लिया है, 2 हरी मिर्चें ली हैं बड़ी, और ये टमाटर प्योरी ली है मैंने। आधा किलो गोश्त लिया है, इस वजह से मैंने इसमें 3 मीडियम टमाटर की प्योरी बना ली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हरी मिर्चों में भरने के लिए जो मैं मसाला ले रही हूँ, ये अचार का पैकेट का मसाला है, ये 2 टेबल स्पून में अपने लेमन जूस में डाल दूँगी और हम मिर्चें भरेंगे इससे। ये देखिए 2 टेबल स्पून मैंने अचार का मसाला लिया था, इसको मिक्स कर दिया। इसको मैं अब हरी मिर्चें में भरूँगी। ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 2 बड़ी हरी मिर्चें। इसमें मैं अपना लेमन जूस में जो मैंने अचार का मसाला मिलाया था, इसको फिल करके इसको बंद कर देंगे। और एंड में इसको हम, जब हमारा सालन रेडी हो जाएगा तब इसको हम डालेंगे। हमारी फिल हो गई है, मिर्चें हमारी फिल अप हो गई हैं। आप देख सकते हैं ये 2 मिर्चें ली थी। अब ये 1.5 कप हमारी दही है, इसमें मैं ये शान का अचार मसाला है, ये मैंने आधा पैकेट लिया है, क्योंकि हमारा गोश्त भी आधा किलो है, इसलिए मैं आधा पैकेट यूज़ कर रही हूँ। अगर हमारा 1 किलो गोश्त होता तो मैं पूरा पैकेट लेती। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम गोश्त के साथ इसको डालेंगे, ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, दही को भी अच्छी तरह फेंट लेंगे ताकि दही के लम्स ना रह जाए। ये हमारा मिक्स हो गया अच्छी तरह। अब हम अपनी ऑयल गरम करेंगे। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है, 1.5 कप हम ऑयल डालेंगे इसमें। ये गोश्त है, मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, इसको मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के और टमाटर डाल के इसको, सॉरी नमक डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया। अब इसको हम ऑयल के साथ फ्राई करेंगे। 1 टेबल स्पून में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। थोड़ा सा गोश्त को ऑयल में भूनेंगे। गोश्त हल्का सा फ्राई हो गया है लहसुन अदरक के साथ, अच्छी तरह को फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें ये दही और अचार मसाला है ये मिक्स कर रही हूँ। तेज आंच पे इसको 7 से 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, क्योंकि हमने इसमें मसाला ऐड किया, घी ऐड किए, मसाला अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए हमारा। इसको
इसको हम कवर कर देते हैं 7 मिनट के लिए। 7 मिनट बाद खोल के देखेंगे। 7 मिनट हमारे हो गए हैं। ये देखें आप, कुछ हमारा रेडी, आधा मसाला हमारा रेडी है। अब इसमें हम ये जो हमारी टमाटर प्यूरी थी ये रह गई है, ये ऐड करेंगे। टमाटर प्यूरी के साथ हम इसको तेज आंच पे पकाएंगे 5 मिनट तक। कवर कर देती हूँ। 5 मिनट बाद इसको हम ऑन करेंगे, ढक्कन खोल के देखेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, 5 मिनट हमारे हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं तेज आंच पे मैंने इसको पकाया है। आंच को स्लो कर देते हैं थोड़ी सी। अब इसमें हम ये हमारी हरी मिर्चें हैं इसको ऐड कर देंगे, गैस के ऊपर रख देंगे। अब बस 2 मिनट के लिए पकाएंगे इसको, उसके बाद हमारा अचार गोश्त रेडी। 2 मिनट हो गए हैं, चलिए देखते हैं। अचार गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें आप कितना अच्छा कलर आया है। ये हमारा बिल्कुल रेडी है, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मैं ऑफ कर दिया है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत जबरदस्त बना है। अचार गोश्त का अलग ही जायका होता है, अचारी सा जायका आता है इसमें। जिसमें जो मसाले ऐड हुए हैं वो अचार के हैं। ये देखें व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये हमारा अचार गोश्त है बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। अगर आपको हमारी डिश पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, लाइक भी करें, शेयर करें। के बाय, नेक्स्ट टाइम हम नई वीडियो के साथ आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर हमारे लिए।